मैं नीरज द्विवेदी हूं और प्रदेश तक के अपने सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते राज्य की सियासत में चुनावी रंग अभी से ही नजर आने लगा है। ओबीसी, राजपूत, कुशवाहा और साहू समाज के बाद अब ब्राह्मण समाज भेल के जम्बूरी मैदान पर शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार है। 4 जून दिन रविवार को राजधानी भोपाल में ब्राह्मणों का महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेश भर से ब्राह्मण आएंगे। भेल के जम्बूरी मैदान में होने वाले ब्राह्मण महाकुंभ में प्रदेश भर से 5 लाख ब्राह्मण समाज के लोग जुटने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि वर्ष 2018 में ब्राह्मणों की नाराजगी के चलते भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। ब्राह्मण समाज अपनी इस हुंकार से सभी राजनीतिक दलों को यह संदेश देना चाहता है कि ब्राह्मणों के समर्थन के बिना मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार बनाना मुश्किल है। वैसे तो ब्राह्मण समाज के इस शक्ति प्रदर्शन का ऐलान तो पहले ही हो चुका था, अब गुरुवार को समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने महाकुंभ को लेकर अपनी रूपरेखा बताई। हालांकि समाज ने इस महाकुंभ को गैर राजनीतिक बताया है। ब्राह्मण समाज की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि भोपाल में कल होने वाला उनका विशाल ब्राह्मण महाकुंभ सिर्फ उनके समाज की भलाई के लिए है। इसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से किसी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए कोई भी इसे राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश ना करे। ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल, अशोक भारद्वाज और उमेश तिवारी ने बताया कि ब्राह्मण समाज की 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के सामने रखा जाएगा। इसमें ब्राह्मण आयोग का गठन करना प्रमुख मांग है। पिछले 1 महीने से महाकुंभ की तैयारी की जा रही है, जो अब अंतिम चरण में आ चुकी है। ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष गौरी शंकर कक्का ने बताया कि जम्बूरी मैदान में सुबह 10 बजे से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। महाकुंभ के मुख्य अतिथि के रूप में सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य द्वारिका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इसमें सभी राजनीतिक दलों के ब्राह्मण प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। समाज की 11 सूत्री मांगों में प्रमुख मांगों की बात करें तो ST SC और OBC की तरह ब्राह्मणों का भी एक आयोग होना चाहिए, इसलिए जल्द से जल्द संवैधानिक रूप से ब्राह्मण आयोग का गठन किया जाए। दूसरी मांग है कि एट्रोसिटी एक्ट को तत्काल समाप्त किया जाए, क्योंकि इसमें न तो गिरफ्तारी के पूर्व जांच का प्रावधान है, न ही अग्रिम जमानत का प्रावधान, न तो पैरोल का प्रावधान। ब्राह्मण वर्ग की तीसरी मांग है कि हमें भी 14% का आरक्षण दिया जाए। समाज ने शिवराज सरकार से चौथी मांग की है कि OBC की भांति 8 लाख से नीचे आय वाले निर्धन ब्राह्मणों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए और विद्यार्थियों को निःशुल्क सरकारी आवेदन की पात्रता दी जाए। बता दें कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने यह शक्ति प्रदर्शन करने के लिए सही समय का चुनाव किया है। जब राज्य में विधानसभा चुनाव है और चुनावों के दृष्टि से अपनी मांगे मनवाने के लिए शिवराज सरकार को बाध्य किया जा रहा है। अब देखना होगा कि ब्राह्मण समाज कल जो अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाला है और शिवराज सरकार के समक्ष 11 प्रमुख मांगे रखने वाला है, इसमें शिवराज सरकार खुद उपस्थित रहेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या एक्शन लेते हैं और कौन कौन सी मांगे पूरी करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की अन्य खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। जय हिंद।